यूनाइटेड किंगडम एक छोटा सा आइलैंड देश, पर एक समय था जब दुनिया के सभी देशों पे ब्रिटिश हुकूमत थी। भारत में 1600 में ब्रिटिशर्स आए और 1947 में गए, यानी लगभग 300 साल। अब सवाल उठता है कि ये छोटा सा आइलैंड देश पूरे ग्लोब पे कैसे राज कर सका। जवाब है यूके की एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से गवर्नर जनरल का ऑफिस सेटअप हुआ, जो बाद में वॉइसरॉय में बदला गया था। 1773 से 1947 तक कई सारे गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के टेन्योर रहे, और इन सभी के टेन्योर में बहुत से सिग्निफिकेंट इवेंट्स भी हुए। तो ये सीरीज में हम हर एक वीडियो में हर एक गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के वर्क को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक वीडियो में एक गवर्नर जनरल से एसोसिएटेड जो भी सिग्निफिकेंट वर्क्स रहे हैं वो हम समझ लेंगे, ताकि आपको सभी सिग्निफिकेंट इवेंट्स एक जगह मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह, और शुरू करते हैं गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स की कहानी। और शुरुआत होगी वीरेन हेस्टिंग्स से। वीरेन हेस्टिंग्स साल 1773 से 1785 तक इनका टेन्योर था, और इनके दौरान इंपॉर्टेंट वर्क्स कुछ ये थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया था एट फोर्ट विलियम, जो साल 1774 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में भी इन्हीं के द्वारा सेटअप किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के टेन्योर में पास किया गया था 1784 में। मुगल पेंशन की रोकने की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी टू शाह आलम टू। वीरेन हेस्टिंग्स अबॉलिश दी ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल को कैप्चर किया तो वहां पे ड्यूअल सिस्टम को लागू किया था, यानी कि बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दीवानी और निजामत। दीवानी यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और निजामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, जो कि मुगल नवाब को दिए गए। तो इस ड्यूअल सिस्टम को वीरेन हेस्टिंग्स द्वारा ही खत्म किया गया था। वीरेन हेस्टिंग्स ने ट्रेजरी मूव करी थी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकटा। रिंग फेंस की पॉलिसी भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। इस पॉलिसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भी राज्य अलायंस करते थे, उनको कंपनी अपने फोर्सेस उस राज्य की टेरिटरीज में भेजती थी, और उस फोर्स का खर्चा उस राज्य को ही देना पड़ता था। इससे हुआ ये कि जो भी इंडियन स्टेट जिन्होंने रिंग फेंस की पॉलिसी साइन करी हुई थी, वो कंपनी पे डिपेंड हो जाते थे अपने डिफेंस के लिए। हालांकि इस पॉलिसी में कंपनी राज्य के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती थी, पर वही है ना कि एक बार किसी भी स्टेट की डिफेंस की डिपेंडेंसी अगर कंपनी के पास हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सुपीरियर हो गई। कलेक्टर का पोस्ट भी इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया था, और वीरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे जिनको प्रोसिक्यूट किया गया था फॉर इम्पीचमेंट। रीजन ये था कि वीरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे, तो उस दौरान काफी ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, जिस कारणवश ये पहले गवर्नर जनरल थे जो इम्पीच्ड हुए थे। इन्होंने अबॉलिश किया था दस्तक सिस्टम, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। दस्तक सिस्टम ट्रेड प्रिविलेजेस से रिलेटेड था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड परमिट्स की पावर थी, जिस वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज पर्सनल ट्रेड शुरू कर दिए थे, क्योंकि दस्तक सिस्टम में बहुत सी कस्टम ड्यूटीज को वेव ऑफ कर दिया जाता था, जिस वजह से बंगाल से ट्रेड होने के बाद भी बंगाल में कस्टम ड्यूटी नहीं मिलती थी। और ये दस्तक सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रीजन बना था ड्रेन ऑफ वेल्थ इन बंगाल। इस दस्तक सिस्टम को एट लास्ट वीरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता बाय चार्ल्स विकनन्स, ये भी वीरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर में कंप्लीट हुआ था। सो ये था वीरेन हेस्टिंग्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स। उम्मीद है आपको ये इनिशिएटिव हेल्पफुल लगी होगी, और अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।